मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारी काफ़ी पुरानी डिमांडें थी रीऑर्गेनाइजेशन, 33 ड्राइवर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए भाई थे उनको परमानेंट करना, ऑल कैरेक्टर की डीपीसी, साथ ही साथ जो कुछ सफाई कर्मचारी 30 लोग 200 आदमी से रह गए हैं उनको परमानेंट करना, और 600 आदमी जो कि कैजुअल फॉर्म फिल हो चुके हैं उनको लगाना, यूटी की जो यहाँ पर जो यूटी इन्होंने लागू कर दी है उनकी सैलरी का मसला था, जैसे कि 18,500 सैलरी यूटी के बेहब पर होनी चाहिए, और इसी तरह से जितनी भी हमारी डिमांडें थी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कि जल्द से जल्द हमारी डिमांडें ये अगर पूरी ना की गई तो मजबूरन जो हमारा फाइनल नोटिस होगा सरकार को और डिपार्टमेंट को, दिवाली के बाद हम इन्हें नोटिस देंगे, उसके बाद में जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम हैं वो मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे, हो सका तो मजबूरन सफाई कर्मचारी और पूरे डिपार्टमेंट को स्ट्राइक करनी पड़े। तो हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं। तो साथ ही साथ ये मैं कहना चाहता हूं ऑफिसरों से और गवर्नमेंट से कि आज हम फिर एक रिमाइंडर दे रहे हैं, लेकिन दिवाली के बाद 25 तारीख तक मजबूरन जो सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन होगी वो फाइनल नोटिस देगी, और तभी वापस आएंगे जब हमारी जो डिमांडें हैं वो पूरी की जाएंगी। तो मैं फिर से मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। धन्यवाद।